हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक अगेन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें बाय वे वेलकम बैक टू अगेन टू द मास्टर कोर्स ऑफ डार्ट सुपर सुपर डुपर मास्टर कोर्स ऑफ द डार्ट ओके एंड एंड लास्ट वीडियो में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया था और वो ये था कि कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपने लास्ट टाइम फ्लटर डॉक्टर लिखा था अगर आप सिंपली यहाँ पर डार्ट ओके एंड देन आप यहाँ पर सॉरी डॉट ओके एंड देन आप सिंपली यहाँ पर वर्जन अंडर स्कोर अंडर स्कोर वर्जन और देन आप इसको टाइप करेंगे तो यू विल सी कि आपके पास डॉट एस डी के वर्जन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपके पास डाट इंस्टॉल हो चुका है ठीक है ऑन लाइटर नोट ओके द नेक्स्ट थिंग अब हम इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आपने um, वी एस कोड को किस तरह से इंस्टॉल करना है जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वी एस कोड इज बेसिकली एन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप कोडिंग करते हैं ठीक है सिंपल अल्फाज में uh, अब इसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कहते हैं क्योंकि uh, ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी बनाया हुआ है अब आप इसके अंदर जस्ट इसकी प्लगइन्स वगैरह कुछ आप इंस्टॉल कर लेते हैं और उसकी प्लगइन्स को इंस्टॉलेशन के बाद आप इजीली इनको रन कर सकते हैं ये इसकी खूबसूरती है क्योंकि सब कुछ जो है बैकेंड पे माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है बैकेंड पे डेवलपर्स ने प्लगइन्स बना रखी हैं आपने जस्ट उनको सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद आपने उनको यूज़ करना है लेकिन अगर आप इस स्टेप तक नहीं पहुँचे तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि आपने किस तरह से डार्ट पैड को यूज़ करते हुए उसके लिए जरूरी है कि आपको एटलीस्ट इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए ठीक है सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम में और यहाँ पर आपने आ जाना है और सिंपली यहाँ पर टाइप करें वी एस कर्ड डाउनलोड ओके गाइस मैं यहाँ पर देख के इसलिए टाइप कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट माई की और आई जस्ट फील लिटिल बिट कन्फ्यूज आई डोंट नो वाई ठीक है सो so, यहाँ पर आपके पास देखें आ गया है वी एस वी कोड डाउनलोड फॉर मैक क्लिनिक्स एंड वट ठीक है देन यहाँ पर आपने अगर आप मैक यूज़र हैं मैक क्लिक कर लें मैं विंडो यूज़र हूँ तो मैक विंडो विंडो क्लिक कर लूंगा अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा एज़ यूजल यू नो आम वन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तो मैंने ऑलरेडी इसका डाउनलोड करके रखा हुआ है एंड यहाँ पर डाउनलोड में मैं जब सेक्शन में आ जाऊँगा तो यू विल सी दिस दिस वन राट ठीक है ये देखें वी एस कोड आपके पास आ चुका है ठीक है अगर आपके पास ये वी एस कोड इस तरह नहीं है आपके पास यहाँ पर जिप फाइल है तो उसको अनजिप कर लें जिस तरह लास्ट वीडियो में सिखाया आप यहाँ पर सिंपली आ जाएँ और यहाँ पर देखें ये आपके पास एक्सट्रैक्ट फाइल है ठीक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी एंड देन आप इसके ऊपर डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एग्रीमेंट आ जाएगा आप इसको नहीं पढ़ सकते सो इजीली आप इसको यहाँ पर आई एक्सेप्ट नेक्स्ट एंड देन आपके पास ये लोकेशन आ गया है कि किस फोल्डर में आपने इंस्टॉल इसको इंस्टॉल करना है मैं सी में करूंगा तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं अगेन ये आपसे पूछ रहा है क्या आप टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट इफ़ यू लाइक टू सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर मैं डिफरेंट फोल्डर नहीं सेलेक्ट करना चाहता अगेन मैं इसको कहूंगा यहाँ पर कि एडिशनल आइकन क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन तो मैं ये जरूर करूंगा क्योंकि डेस्कटॉप टॉप पर पड़ा होगा तो मेरे लिए सेफ होगा इसको रन करना ठीक है सो so, देन आपने इसको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने में थोड़ा सा ये टाइम लेगा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा एटलीस्ट थर्टी सेकेंड्स लेगा ठीक है अभी बहुत फास्ट हो चुका है आई थिंक या तो मेरा पीसी फास्ट है इट सीम्स टू मी दैट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट हो गया लेकिन आई थिंक पीसी फास्ट है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट नहीं है एनी ये देखें आपके पास कंप्लीट हो गया फिनिश एंड देन आपके पास यहाँ पर आपका वी एस कोड फाइनली एड हो चुका है ठीक है देन अगेन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर आए तो इस आप VS कोड को ईज़िली आप अगेन ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपके पास वी एस कोड की एक कम्यूनिटी है ठीक है अब कम्यूनिटी में बहुत सारे लोग प्लेग बनाते हैं तो क्योंकि हमने डार्ट को यूज़ करना है तो वट आई विल डू मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इसकी कम्यूनिटी में ओके okay, प्रेफरेंस में ये आपके पास आ रहा है ठीक है एंड देन ये देखें आप फाइल के ऊपर क्लिक करें प्रेफरेंस में आ जाएं और अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप अगेन यहाँ पर प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे एक्सटेंशंस ठीक है एक्सटेंशन सेक्शन में आप आ जाएं और यहाँ पर आपने सिंपली आके आपने यहाँ पर टाइप करना है डाट ओके सॉरी डाट ओके तो यहाँ पर अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये आपके पास डाट की प्लग आ गई है ओके okay, और यहाँ पर देखें आप डिसेबल कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ सो मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ आपके लिए मैं चले चलेस्टॉल कर देता हूँ आप ऐसा ना आप फिर ऐसे कहेंगे कि सर आपने तो पहले से इंस्टॉल किया हुआ था ओके सो यू सी मैंने इंस्टॉल किया एंड अगेन मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये मेरे लिए अब आप, आप इसको ना अनस्टॉल कर दिया ओके okay, इंस्टॉल इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन में तो ये आपके पास दोबारा से इंस्टॉल हो चुका है ठीक है अब जी अब क्या करें अब तो हमारे पास आ, ये सब कुछ हो गया अब ये वी एस कोड जो है ना ये एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है एज़ यू गाइज नो थोड़ा सा आपको ये की लग रहा होगा ठीक है अजीब अजीब सा लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं मैं आपको सिखाऊंगा अब यहाँ पर आप, आप एक्सप्लोरर में आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास आपके सारे फोल्डर लिस्ट होंगे ठीक है अब ये देखें आपको कह रहा है ओपन अ फोल्डर मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर अपना ना इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर आके एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डार्ट ट्यूटोरियल्स के नाम से ओके okay? सो so, यहाँ पर मैंने डार्ट ट्यूटोरियल्स के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर और अब मैं यहाँ पर ओपन में जाऊँगा डेस्कटॉप पे आऊँगा और यहाँ से डा ट्यूटोरियल्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ये मेरा फोल्डर अब ओपन हो चुका है और साथ ही डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ़ द फाइल इन दिस फोल्डर यस ओके एंड मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा आई ट्रस्ट द ऑथर एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पर देखें आपके पास एक फोल्डर आ चुका है बट फोल्डर में कुछ है नहीं सो so, अगेन अगर आप इसके ऊपर अब आप क्या करना है आपके पास ये देखें ये फोल्डर बन चुका है और साथ में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है न्यू फाइल और ये साथ में आपको कह रहा है न्यू फ़ोल्डर या आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं कि आप न्यू फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं सो so मैं यहाँ पर न्यू फ़ाइल और इसको मैं नाम दे दूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल आसिफ डॉट डॉट ओके जैसे ही देखे मैंने इसके साथ डाट टाइप किया तो यहाँ पर यू सी कि इसके पास डाट की ये अभी डाट की एक्सटेंशन यहाँ पर आ चुकी है लोगो आ चुका है ठीक है सो इट मीन्स के वी एस कोड में हमारी जो प्लगिन है वो एड हो चुकी है आसिफ डॉट डाट और नेक्स्ट थिंग यहाँ पर वुड यू लाइक टू यूज़ रिकमेंडेड वी एस कोड सेटिंग फॉर डॉट एंड फ्लटर तो ये आप इसको ना यस क्लक यस कर लें ठीक है एंड ओपन सेटिंग फाइल में यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें आ चुकी हैं जिसको मैं क्लोज कर देता हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बाय द वे ठीक है एनी हमने इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया आसिफ डॉट डार्ट तो ये आप देखें ये सब कुछ हो चुका है मैं यहाँ पर ना सिंपली यहाँ पर सिंपली वर्ड ओके मेन ओके एंड मेन में ओके सो गेट में तो को पायलट भी होता है ना सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ को पायलट ओके क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी मेरी जान मुझे तो समझ आ जाएगी अब आपने इस ब्रैकेट के अंदर आ जाना है और आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा दें प्रिंट ओके एंड देन आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ओके एंड देन आप यहाँ पर सेमी कॉलन कर दें इस प्रोग्राम की आई नो आई नो मैं ये समझ रहा हूँ आप लोग ना बिल्कुल डंप लोग हैं ठीक है नो ऑफेंस नो ऑफेंस मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को कुछ भी नहीं आता सो so, यहाँ पर देखें मैंने ये कर दिया सेव कर दिया ओके okay? और इसको मैं आप कंट्रोल एस से सेव करूंगा और साथ ही यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये आ रहा है रन का ऑप्शन ठीक है सो आप रन विदाउट डी बगिंग कर दें या आप इसको रन शार डी बगिंग रन विदाउट डी बगिंग हम इसको कर देते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पर बॉटम पर आप आ जाएँ बॉटम पर तो ये देखें ये आपके पास नो no प्रॉब्लम वाला ये सेक्शन आ रहा है ठीक है और यहाँ पर ये बॉटम पे और यहाँ पर आउटपुट्स ठीक है तो जब भी आप यहाँ से इसको कोड को रन करेंगे ओके सो रन करेंगे ओके एंड यहाँ पर टर्मिनल भी आपके पास आ रहा है ओके okay, यार आफ्टर लॉट ऑफ सर्चिंग ठीक है मैंने कभी वी एस कोर पर इस तरह डार्ट रन नहीं किया आफ्टर लॉट ऑफ सर्चिंग तो मुझे पता चला कि हम एक मिस्टेक कर रहे हैं और वो ये कि यहाँ पर ये मेन डायरेक्ट रन नहीं होता ठीक है क्योंकि हमने अब प्लग इन से एड कर दी है उसके बावजूद ये मेन यहाँ से डायरेक्ट रन नहीं होगा तो ये जो डार्ट टूटोरियल वाला हमारा फोल्डर था इसके अंदर आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है और इसको आपने नाम दे देना है लिप ठीक है अब ये लिप फोल्डर आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया और ये जो मेन डॉट डार्ट वाली फाइल थी आपने इसको यहाँ से ड्रैग करके इस लिप फोल्डर के अंदर ले जाना है ठीक है तो अब आप देखें आपका जो मेन डॉट डार्ट वाला फोल्डर है ये अब आपकी लाइब्रेरी वाले फोल्डर में आ चुका है ठीक है लिप फोल्डर में और इसके साथ ही जब ये लिप फोल्डर में आ गया क्योंकि वी कोड जो है वो फ्लटर के प्रोजेक्ट को रन करता है ठीक है सो हम क्योंकि डार्ट भी डाट सीख रहे हैं तो यहाँ पर ये लिप फोल्डर में ये सारी कोडिंग होगी जो भी होगी ठीक है इसके अंदर आप बाकी सारी फाइल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं सो so, ये हमारा मीन डॉट डार्ट यहाँ से लेगा और यहाँ जब आप रन पे आ जाएं दोबारा तो यहाँ पर आप रन विदाउट डी बगिंग करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पर आपके पास हेलो वर्ल्ड ये रन हुआ और इसके साथ ही आपके पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है ठीक है अब अगेन आई नो ये थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजिंग था बट यहाँ पर आपने कन्फ्यूज नहीं होना है द रीज़न इज इसके ये स्टार्ट है और आगे बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल है बिलीव मी और अगर आपको वी एस कोड मुश्किल लग रहा है तो आप डार्ट पैड को यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी आप बता चुका हूँ फ़र्स्ट वीडियो में कि आप अगर वी एस कोड नहीं आप, आपको अच्छा लगता तो आप डार्ट डार्ट आपका जो ऑनलाइन डार्ट पैड है आप उसमें इजीली कोडिंग कर सकते हैं ठीक है सो ये था अबाउट हाउ यू नीड टू हाउ आप लोग किस तरह से आप वी एस कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन मैंने आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखवाया सिखाया बड़े सिंपल सिंपल वे में ठीक है uh, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में भी हो सकता है वो हम एट द एंड ऑफ दिस कोर्स में आप लोगों को सिखाऊंगा आप किस तरह से कर सकते हैं कर सकते हैं बट एनी वेज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं लाइव आता हूँ एंड आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर करता हूँ इसके अलावा आप मुझे लिंक इन फॉलो कर सकते हैं एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा बेशक सब्सक्राइब ना करें ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आल सी इन द नेक्स्ट वन